जिसम के हैसियत से नाम पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जो जिसम की हैसियत से जाना था मगर अब से नहीं जानेंगे, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उसकी तकसीरों को उनके उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। कलाम कदस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए वैसे बरकत हो। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ अपने पादरी अल्ताफ अजमी साहब का, कि वो जब भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें मायूस नहीं करते हैं, बल्कि पूरा मौका देते हैं कि हम कलाम मुकद्दस की बातों को शेयर कर सकें। और ये कलीसिया जो है उनके साथ मेरा बड़ा पुराना तलक है। मैं बहुत देर पहले भी यहाँ कलाम सुनाने आया करता था, वो दूसरे चर्च में, और उनमें कई बच्चे जो हम अभी मौजूद भी नहीं थे, सारा जैसे बच्चे वो अभी खुदावन का शुक्र है कि वो मौजूद हैं और कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो अनहद ही हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं। आज जो हवाला पढ़ा मैंने आपके सामने, इसमें से मैं एक आयत आपके सामने दोबारा पढ़ूंगा, और वो है 17वीं आयत, और उसी पर हम थोड़ी देर के लिए जो वो ध्यान लगाएंगे। और पांचवें बाब के 17वीं आयत है, लिखा है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो नई हो गई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के वैसे सब। मेरे दिल में ये जो खत है पौलुस रसूल का, ये करिन्थियों की कलीसिया का नाम लिखा गया, और ये जो कलीसिया है ये पौलुस रसूल ने ही कायम की थी, और ये कलीसिया जो है वो यूरोप के इलाका जो शहर ग्रंथस है यूनान का, वहां पर कायम की गई। और इस कलीसिया को पौलुस रसूल उसने जो है वो दो खतूत लिखे हैं, करिन्थियों के नाम का पहला खत और करिन्थियों के नाम का दूसरा खत। और अगर हम इन खतूत का मुताला करते हैं तो कलीसिया की हालत जो है वो कोई बहुत जबरदस्त नहीं, कोई इस तरह के नहीं कि वो कलीसिया जो है बहुत कोई रूहानी है या खुदा के साथ चलने वाले हैं, बल्कि जो है वो कलीसिया के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल जो मौजूद हैं उनका जिक्र मैं थोड़ा आगे चल के करूँगा। और मैं थोड़ा सा क्रम से शहर जो है उसके बारे में बताता चलूँ कि ये रोमी जो सल्तनत थी ये भी उसी का एक हिस्सा था। रोमी सल्तनत जो दुनिया की बड़ी सल्तनत थी उस वक्त, और खुदा यीशु मसीह भी इस सल्तनत में पैदा हुए, तो बड़ी सल्तनत थी, और उनका एक सूबा था अखिया जिसका दारुल हुकूमत क्रंथस, अखिया सूबे का दारुल हुकूमत क्रंथस, और वहां पर पौलुस रसूल ने एक कलीसिया कायम की थी। और ये जो शहर है यूरोप का मशहूर शहर, तजारती शहर, गहमा गहमी कारोबारी शहर, और इस तरह का जो शहर होता है वहां पर मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ तहजीबों के लोग और मुख्तलिफ कल्चर के लोग, उनका जाना आना जब लगा रहता है, और जब लोग जाते हैं तो वो सिर्फ अपने आप नहीं जाते, अपना ईमान और अपने ख्यालात और अपना फेथ भी वहां पर मुंतकिल करते हैं। और क्योंकि दुनिया से लोग जो हैं वो इस शहर में आते जाते थे, और इस वजह से वो अपनी अपनी तालीमात जो हैं वो भी इस शहर में ले जाते थे, और एक मिक्स्ड किस्म की सोसाइटी जो है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो प्लुरलाइज किस्म के लोग, जिनको ये कहें मुख्तलिफ कौमों मज़ाहब नस्लों रंगों के लोग इस शहर में मौजूद थे, क्योंकि बड़ा तजारती शहर था कारोबारी शहर था। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर लोग जो है वो उनको फैसला करने में मुश्किल होती है,
कि आयत सही तलीम कौन सी है और गलत तलीम कौन सी है, क्योंकि हर तरह की तलीम जो है वो मौजूद है और लोग जो है वो फैसला नहीं कर पाते हैं कि सही तलीम जो है वो कौन सी है। और क्रंथस की हालत जो है वो कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि मुख्तलिफ तालीमात के लोग जो है मुख्तलिफ कौमों के लोग जो है वो इस जहां में मौजूद हैं और लोग जो है वो फैसला नहीं कर पा रहे कि किस तरह की जो वो तालीमात जो है जो मौजूद हैं और सही तालीम इनमें से कौन सी है। और जो कलीसिया पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें भी मुख्तलिफ तालीमात जो हैं वो मौजूद हैं, उसमें तफरके हैं, उसमें जुदाइयां हैं, उसमें हरामकारियां हैं, मेल मिलाप जो है वो नहीं है, जैसा कि पौलुस इस हवाले में भी मेल मिलाप की बार बार बात करता है कि खुदा ने हमें इसलिए मुकर्रर किया है कि हमें मेल मिलाप की रूह जो है वो दे दी है। तो ये सारे मसले उसमें कलीसिया में जो मौजूद हैं और कलीसिया के साथ पौलुस रसूल के जो अपने दरकार हैं वो भी कोई मिसाली नहीं है। कलीसिया जो है और रसूल जो है उनके दरमियान में भी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक तरह से नहीं है, इसीलिए उनको पौलुस ने उसको दो दफा वो इस कलीसिया को जो वो खत लिखना पड़े। तो मुख्तलिफ मजहब के लोग थे, इसलिए ये कलीसिया जो है वो मुख्तलिफ तरह की तालीमात रखती है। और इसमें पौलुस रसूल पिछले खत में पहले खत में खुद कहते हैं कि इस कलीसिया के अंदर जो वो तफरके हैं, जुदाइयां हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तालीमात जो है वो वहां पर रस बच गई। तो फर्के बदलने में क्या होता है कि जब लोग जो है वो अपना अपना ईमान जो है बदल लेते हैं, ईमान एक ग्रोह है उसका कुछ और ईमान है, दूसरे ग्रोह का कुछ और ईमान है, तो फिर इसको हम तफरका कहते हैं। लेकिन मसीह जो है उसमें तफरके असल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनका तो ईमान एक है, इनका ईमान एक है, इनमें तो फर्के जो है वो नहीं होने चाहिए। यहां पर होती है डिनोमिनेशन कहते हैं हम इंग्लिश में, और डिनोमिनेशन का ये मतलब होता है कि लोग ये टीमें मुख्तलिफ हैं लेकिन उनके मंजर एक ही है। लोग अलग अलग काम करते हैं लेकिन उनका जो मंजर और ठिकाना है वो एक ही है। और मसीह जो है उसमें तो फर्के की गुंजाइश नहीं है, बल्कि इसमें डिनोमिनेशन होती है, मुख्तलिफ लोग हैं वो खुदा यीशु मसीह के पास आने के लिए ही मुख्तलिफ एंगल से जो है वो काम करते हैं। और यहाँ पर हमने तो फर्के जो वो नहीं होने चाहिए। और पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया में फर्कों की वजह से जो परेशान है, मेल मिलाप कलीसिया में नहीं है, कलीसिया में जो वो हरामकारी है वो उसका जिक्र भी करता है पिछले खत में कि इस तरह की हरामकारी तो गैर कौमों में नहीं होती जो कि तुम में मौजूद है। बहरहाल कलीसिया की हालत जो है वो इंतहाई जो है वो नागुफ्ता भी है। ये नहीं कोई गरीब कलीसिया है, ये कोई गरीब कलीसिया हरगिज नहीं है, अच्छा तजारती शहर है और मुस्लिम लोग जो है वो भी वेलटू हैं, वो भी खाते पीते लोग हैं। उनको आगे पर रसूल सुन जाए वो आगे ये भी कहता है कि आप यरूशलेम के जो लोग हैं उनके लिए अमदाद जमा करें, क्योंकि आप तो दे सकते हैं, आपके पास तो खुदा ने सब कुछ मुहैया कर रखा है। वो गरीब कलीसिया नहीं है लेकिन गलत तालीमात जो वो कलीसिया के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और तभी ये रसूल ये कहता है ये 17वीं आयत में कि अगर कोई सारी ये जो तालीमात जिन बुराइयों का जिक्र मैंने किया है इन सब को छोड़कर अगर कोई मसीह सुने है तो वो नया मखलूक है। अगर ये बाकी सारे बातें छोड़कर कोई मसीह यीशु को पहन लेता है तो वो नया मखलूक है और उसकी पुरानी चीजें जो वो जाती रही और देखो वो नहीं होगी। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जो वो जाती रही और देखो वो सब नहीं होगी। मेरे दिलो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नया करना ये खुदा यीशु मसीह का काम है, चीजों को बदल देना ये खुदा यीशु मसीह का काम है। लोग जो है वो करते हैं वो नया बनने की कोशिश करते हैं, अपनी फितरत को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। जिस माहौल में आप रहते हैं आपको पता है कि लोग जो है वो आबादात का सहारा लेते हैं, लोग जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो सखावतें करते हैं, लोग बड़े बड़े जो है वो चढ़ावे चढ़ाते हैं
और इस तरह से अपनी जो फितरत है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई इंसान अपनी जाती कोशिश से अपनी जो गुनाह गुना फितरत उसको तब्दील नहीं कर सकता। इसलिए कि इंसान इस काबिल ही नहीं, वो है गुनागार। फितरतन जबिलतन इंसान जो है वो गुनागार है और वो अपनी कोशिश से इस गुनाह को अपनी जिंदगी से रिमूव नहीं कर सकता। वो एक यसूसी ही है जो ये काम कर सकता है। आज हमने दो तलावतें सुनी हैं और दो तलावतों में एक तलावत में हमने सुना कि काना ग्लील में एक शादी है और वहां पर जो है वो उनके पास मैच है वो खत्म हो गई और मैं की जब उठता ही यसूस जी ने कहा कि पानी भर दो और जब पानी भर के ले जाया गया तो फिर क्या हुआ कि जब उन लोगों ने दिया और मेरे मजलिस में दिया तो वो कहता है कि ये तो अच्छी मैं बन चुका है। वह कि यसूस जी ने पानी जो है उसकी फितरत को ही तब्दील कर दिया, पानी की फितरत को तब्दील कर दिया। और जो लोग बच्चे यहाँ का हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको बड़ा पता है कि पानी और मैं जो है ये दोनों दे आर डिफरेंट कंपाउंड, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि पानी जो है इसको हम केमिस्ट्री की जुबान में इनऑर्गेनिक कहते हैं और जो मैं है उसको केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड गर्दानती है और समझती है। और इन दोनों में फर्क भी है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन होता है और जो पानी है इसमें कार्बन नाम की कुछ चीज नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो खुदा ये सुनसी जो इन सब चीजों को बनाने वाला है वो हाइड्रोजन को भी बनाने वाला है, वो ऑक्सीजन को भी बनाने वाला है, वो कार्बन को भी बनाने वाला है। तो जो बनाने वाला वही उनको हुक्म दे सकता है कि इसमें दाखिल हो जाए। कोई दूसरा जो है उसके पास ये इख्तियार ही नहीं कि वो कोई इस तरह का काम कर सके। तो खुदा में ये सुनसी ही है जो के चीजों की फितरत को जो है तब्दील कर सकता है और कुछ चीजों को फितरत चीजों की फितरत तब्दील करने की कुदरत जो वो नहीं रखता है। तो यहाँ पे हम देखा कि एक चीज जो कि मुख्तलिफ थी जब वो लोगों के पास खुदा यीशु मसीह के कहने से जाती है तो मुख्तलिफ हो जाती है। और यहाँ पर मुकद्दस मरियम का हम जिक्र पढ़ते हैं, उन्होंने लोगों को एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि जो तुमसे ये कहे वो करो, जो तुमसे ये कहे यानी जो तुमसे खुदा यीशु मसीह कहे वो करो। हम जो तरह तरह की बातों में पड़ जाते हैं, तरह तरह की जो तालीमात में पड़ जाते हैं, जो यीशु कहता वो हम नहीं करते और जो यीशु नहीं कहता वो हम करते हैं। तो मुकद्दस मरियम ने यहाँ बहुत एक बड़ी मलमा होने का सबूत दिया और ये कहा है कि जो तुमसे ये कहता है वो तुम करो। और जब उन्होंने वो किया, यीशु ने कहा इनको जो पत्थर के मटके हैं इनको भर दो और वापस ले गए, तो कोई चीज किसी चीज की कमी रह गई फिर? इसलिए कि आपने उस बात को माना जो कि करेक्ट बात है, जो कि सही बात है, ट्रू बात है कि जो कुछ यीशु कहता है वो करना चाहिए। इसी तरह आपने दूसरा हवाला सुना, यहूदियों का एक बड़ा उस्ताद है जिसका नाम जो है वो नीकोदिमस है और यीशु मसीह ने उससे कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी। मतलब ये है कि तेरी पुरानी जो फितरत है जिसको तब्दील होने की जरूरत है और वो तब्दील जो है वो तब हो सकती है जब तुझमें रूह कुदस आ जाए। और वो जो यहूदियों का उस्ताद है वो रूह कुदस की नियमतों को जानता ही नहीं, वो रूह कुदस को समझता ही नहीं है। वो कहता है कि इंसान अगर बूढ़ा हो जाए तो फिर कैसे जो है अपनी माँ के पेट में जा सकता है। लेकिन यीशु ने कहा कि तुझे रूह और पानी से पैदा होना जरूर है। तेरी जिंदगी में जब तक रूह कुदस नहीं आता तेरी फितरत जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। और मेरे दीदो खुदा में यीशु मसीह वो कुदरत रखता है वो चीजों की फितरत को तब्दील कर दे। बहुत सारे वाक्यात कलाम मुकद्दस में मौजूद है जिसमें यीशु मसीह ने लोगों की फितरत को तब्दील करके रख दिया। आप लावी वाला वाक्य जानते हैं, लावी और मत्ती वाला वाक्य आप जो जानते हैं अच्छी तरह से। वो एक टैक्स कलेक्टर है और टैक्स कलेक्टर जो यहूदी माशरे में उनको कोई इज्जत के मुकाम से नहीं देखा जाता। हालांकि अमीर लोग हैं, पैसे में रहते हैं, हर वक्त बैंकर हैं,
कह लें कि हर वक्त पैसे जमा करते हैं, लेकिन माशरे में उनका कोई मुकाम नहीं है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो उसकी फितरत ही सरासर जो बदल जाती है। उसने कहा अगर मैं किसी से कुछ ना हक लिया तो मैं इसका चार गुना देने के लिए तैयार हूँ। जहन ही बदल जाता है, फितरत ही बदल जाती है। और इसी तरह से सेंट पॉल का वाक्य भी आपको अच्छी तरह से याद है। पौलुस जो है उसके जिंदगी किस तरह की थी, कलीसिया को सताना, उनको बांधना और उनको तंग करना। और पहला जो स्टीफनस शहीद हुआ था कलीसिया में, पौलुस सुसुलिया उस वक्त राजी था इस कत्ल पे कि ये कत्ल हो जाए, बल्कि जो उन्होंने कपड़े वगैरह उतार के सामान रखा था उनके जो है वो हिफाजत के लिए इसने अपने आप को पेश किया था। तो ये शख्स है, इसकी फितरत इस तरह की। लेकिन जब यीशु मसीह का नूर उस पर चमकता है तो उसकी फितरत है वो पूर्णतः मुकम्मल तौर पर जो चेंज हो जाती है। तो आयत ये कहती है कि अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मुकम्मल है। अगर कोई मसीह यीशु में आता है तो उसकी फितरत है वो बदलती है। लाख आप कोशिश कर लें, बेशक हदिया भी ले लें, बेशक देगे भी ले लें, जितने मर्जी लोगों की खिदमत भी कर लें, जब तक मसीह यीशु नहीं है जिंदगी में तो तब्दीली नहीं आ सकती और गुनाह रूदा फितरत जो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए आज मैं मुख्तसर वक्त में आपसे यही कहूंगा कि हमने यीशु मसीह को लाना जिंदगी में ताकि हमारी गुनाह रूदा फितरत जो बदल जाए और हम मसीह में आगे बढ़ते हुए हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खुदा इस कलाम की उसी से आप सब को मेरी बरकत बख्शे। जोरदार तालियां लगाएंगे।